वीरवार को उपमंडल करसोग के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पशुपालकों ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए एसडीएम कार्यालय के बाहर दूध के दाम बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया तथा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए किसानों ने मांग रखी है कि पानी की बोतल 20 रुपए की बिकती है जबकि गरीब पशुपालकों को मात्र 15 से 25 रुपए तक दूध के दाम मिल रहे हैं जो कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इनका कहना है कि करसोग में अधिकतर लोग गाय भैंस पाल के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और महिलाओं को चारा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि चारा लाती कई बार महिलाएं अपनी जान भी गंवा चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद भी पशुपालकों को दूध के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि दूध के कम से कम कीमत 40 रुपए होनी चाहिए ताकि पशुपालक को दूध का सही दाम मिल सके। साथ इन्होंने कहा है कि यदि दूध के दाम शीघ्र नहीं बढ़ाए गए तो किसान आने वाले समय में धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाए। बात करती हूं कि जो यहां तक आज हमारे साथ आए हैं और अपनी समस्या को बताने जा रहे हैं सरकार के लिए कि भी क्या है, तो इसलिए मैं कहती हूं कि जो हमारी दूध उत्पादक के लिए जो ये कठिनाइयाँ आ रही हैं उसके लिए सरकार हमें पूरा से पूरा प्रावधान दे कि जैसे दूध बनाने के लिए कितना टाइम कितना स्मेल लगता है और कितनी देख रेख करनी पड़ती है पशुओं के लिए और कैसे किस तरह से उन अगर हम एक घास के कूड़े का क्या नाम लगाया तो 15 रुपये घास का कूड़ा हमको मिलता है और फीड भी जैसे हमारी बहन ममता जी ने बोला कि 1000 रुपये का कट्टा मिलता है उसमें भी हमारे को सोसाइटी के माध्यम से कुछ राहत होनी चाहिए और हमारा दूध का न्यूनतम मूल्य होना तो अवश्य है 40 रुपये लीटर तो अवश्य मिलना ही चाहिए। तो 20 से ऊपर कोई रेट नहीं मिलता है, जो भी मिलता है 20, 21, 22, 23 सबसे ज़्यादा कोई अगर देता है कोई 23 रुपये देता है और कई बहनों को दूर दूर से दूध ले जाना पड़ता है। उसका हमारे को घर में 2-2, 3-3 गाय रखी है, फीड भी देखो कितनी महंगी हो गई है लेकिन दूध को कोई क्या नाम नहीं है। पानी की बोतल भी यहाँ पर 30 रुपये हो गई है जहाँ पर दूध 20 रुपये बिक रहा है हमारा। और हमारी यही मांग है यहाँ पर कि जो हमारा दूध है वो 40 रुपये प्रति लीटर होना चाहिए, हमारा कोई क्या नाम नहीं है। जहाँ की फीड भी जो फीड होती है 40 किलो का कट्टा होता है 1000 रुपये का मिलता है, उसमें ना तो कोई सब्सिडी ना तो कोई कुछ नहीं मिलता है। वो भी हमारे को जैसे सरकारी दूध में प्लांट में मिलती है उसमें भी कुछ सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए, कोई और दवाइयाँ मिलती है वो भी होनी चाहिए हम इसीलिए। और एक और है कि हमारी जो इसमें ना तो हमारे डॉक्टर है, अगर किस गाय को टीका करना हो और फोन करना पड़ता है कई जगह के लिए और हमारी गाय भी मतलब उतने में ख़राब हो जाती है, एक तो मुश्किल से महंगी गाय लानी पड़ती है उसका कोई नहीं है। और इसलिए हमारा सरकार से और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और जो भी है एसडीएम साहब से हमारा ये निवेदन है कि हमारा जो ये है कि भाई प्रति लीटर दूध 40 रुपये हमारा बिकना चाहिए और हमारा कुछ नहीं है। के बाहर हिमाचल किसान सभा व दुग्ध उत्पादक संघ के बैनर तले हिमाचल सरकार को एक अपनी समस्या से लेकर ज्ञापन देने आए हैं जिस बारे में मैं थोड़ी सी बातचीत आपके बीच रखूंगा कि हमारे किसानों की कितनी समस्या होती है। खासकर हमारे गांव की महिलाएं जो अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ पशुपालन का व्यवसाय करती है और उन्होंने 1, 2, 3-3, 4-4 गाय रखी है, सुबह शाम सुबह वो सो के उठकर घास ढोने जाती है और सारा दिन उसका वो सफाई करनी होती है और बहुत सारी दिक्कतों के बाद वो अपना 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर दूध तैयार करती है। उसके बावजूद इतनी सारी मेहनत करके भी उसे दूध का उचित दाम नहीं मिलता है। अभी तक हाल ही में जो हमारे दुग्ध उत्पादक मिल्क फेडरेशन का जो न्यूनतम मूल्य है दूध का वो मिनिमम
20 रुपये 80 पैसे और अधिकतम 40 रुपये 80 पैसे किया गया। बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप बाजार में किसी भी बाजार में जाओ, पानी की एक नॉर्मल सी बोतल सीधे नाले में थोड़ा बहुत फिल्टर करके उसे हमारे लिए 20 से 25 रुपये लीटर बेचा जाता है। और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारे किसानों की जो समस्या है, बहुत सारी समस्या है, जैसे दूध के दाम में। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए करसोग से राज सोनी की रिपोर्ट।